अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सुक्का चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूं, तो ये आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यही मिर्ची पाउडर है। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था तो इसलिए वो रेड दिख रहा है। तो उसके लिए मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। तो ये करीबन मेरे ख्याल से आधा किलो चिकन होगा, तो उसके लिए मैं एक चम्मच, ये साइज़ का चम्मच था, इससे थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने करीबन, आप लोग देख लीजिए यही चम्मच है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं क्योंकि मैं अभी मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये एक चम्मच मैंने नमक लिया है और ये यही चम्मच से, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने हल्दी लिया है और ये आधा चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है और ये चम्मच से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। तो ये मैं डाल के मैरिनेट कर रही हूँ। अब ये सब मैं डाल के मैरिनेट करूंगी। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, ये कुछ टाइम तक ये मैरिनेट करके रखूंगी मैं। और मैंने इसके लिए थोड़ा सा कांदा लिया है, करीबन आप लोग 2 या 3 कांदा ले सकते हैं। और ये लहसुन लिया है मैंने और ये हरी मिर्ची लिया है 3 से 4, उसको बीच में से कट कर दिया है मैंने। और टमाटर मैंने बस थोड़ा सा लिया, आप लोग चाहें तो 1 या 2 टमाटर बड़ा ले सकते हैं, बट मुझे उतनी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए नहीं थी। सूखा चिकन में भी ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उतना ही लिया है। अब मैं उसकी मसालों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैंने अक्खा धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता लिया है और काली मिर्च लिया है। ये सब मसालों को हमें अच्छे से पीस लेना है, रोस्ट करके उसको अच्छे से भून के फिर उसे अच्छे से पीस लेना है। ये हमारे सूखा चिकन में बाद में हम ये मसाला डालेंगे तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है क्योंकि ये रोस्ट किया हुआ रहता है, थोड़ा सा भुना हुआ रहता है इसके लिए। तो इसका बहुत अच्छे से हम लोग भून के फिर उसके बाद पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने पाउडर बना लिया है, अभी मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं। आप लोग को थोड़ा ज़्यादा तेल वाला पसंद है आप थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं, बट मैं नॉर्मल थोड़ा सा ही तेल ले रही हूँ मीडियम। फिर उसमें अक्खा वही लहसुन मैंने जो आप लोगों को दिखाया था वो मैंने डाल दिया है। बस हल्का सा लाइट कलर आ जाए ब्राउन का, उसके बाद हम इसमें कांदा डाल देंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो कांदा भुनने में ही वो फिर लहसुन ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो स्वाद नहीं अच्छा लगेगा, तो आपका सूखा चिकन का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर जल जाएगा तो लहसुन। तो बस हल्का सा ब्राउन करें, अगर नहीं करना है तो ठीक है वो कांदे के साथ ही ब्राउन करें। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल के हल्का सा मैंने उसको तेल में तल लिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने उसमें कांदा डाला और कांदे को हमें अच्छे से ब्राउन करना है, फिर ब्राउन हो जाए उसी में मैंने टमाटर डाल दिया है। मैंने टमाटर बहुत कम लिया है, आप लोगों को चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने कम लिया है। और हरी मिर्ची लिया है मैंने, वो अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप और हरी मिर्ची ले लें, बस मैंने इतना ही लिया है। फिर उसके बाद मैं इसमें पाउडर मसाले डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं डालूंगी और अच्छे से उसे फ्राई करूंगी, मसालों को थोड़ा सा भूनूंगी। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, फिर उसके बाद जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया था वो मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी दही भी डाला है
और उसे अच्छे से मैं भूनूंगी मसालों को, जब तक उसकी तेल ना निकल जाए। तो थोड़ा टाइम के लिए भुनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बट जब तक मसाला अच्छी तरीके से भुन ना जाए तब तक उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से मसाले को भुने। तो ये मैं मसाला भून रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें यही वाले मैरिनेटेड चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था वही चिकन में डाल के इसको भूनूंगी। मुझे चिकन का स्मेल जो रहता है, चिकन की तरह स्मेल जो रहता है वो मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं उसे अच्छे से भूनती हूँ मसालों के साथ। और ये चिकन का पानी बहुत निकलेगा तो मैं उसे ड्राई कर लूँगी और अच्छे से भूनूंगी, जो चिकन में जो स्मेल होती है वो उतनी पता ना चले वो स्मेल। तो भुनेंगे हम मसालों के साथ तो वो बहुत अच्छे से भुन जाते हैं, तो उतना स्मेल नहीं आता चिकन का और वो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा टाइम तो लगता है भुनने में बट टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो मैं उसे अच्छे से भुनूंगी जब तक मसालों में से तेल ना निकलने लगे, दोनों सेपरेट ना हो जाए, मसाला अलग तेल अलग। जब तेल निकलने ऐसे लग जाए इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, हमारा चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। तो मैं इसे थोड़ा देर और भुनूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी सूखा चिकन है, सूखा चिकन बना रही हूँ मैं, ग्रेवी वाला तो बना नहीं रही हूँ ना सालन सालन वाला बना रही हूँ, ये सूखा चिकन है। तो इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका लूँगी। देखिए ये रेडी हो गया है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है, बस ऐसा हल्का हल्का ग्रेवी चाहिए था, ऐसे थिक टाइप चाहिए था क्योंकि ये सूखा चिकन है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।